नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एसएससी सीएचएसएल 2020 के आंसर की डेट आउट हो चुकी है, कहने का मतलब आंसर की ही आउट हो चुकी है, जिसका लिंक 20 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर 25 तारीख को शाम 6 बजे तक एक्टिव रहेगा। बीमार होने के बाद भी मेरा सेफ स्कोर कितना रहा ये आप लोग को बताकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा आप लोग के साथ हमेशा सही बात करता हूँ और अपनी सारी जानकारी आप लोग को बताता रहता हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने कैसा अटैम्प्ट किया। ये सारी जानकारी मैंने उस दिन आप लोग को बता रखी थी कि मैं पेपर वाले दिन जाने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठ कर गया और इस तरीके से मेरे कुछ क्वेश्चन भी छूट गए, मतलब पूरी पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो देख लेते हैं कि मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं, किस शिफ्ट में कितने मेरे मार्क्स बने हैं। मेरा पेपर जो था 6 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में था, उसमें मेरे जो ओवरऑल मार्क्स बने हैं 132 के अप्रॉक्स बने हुए हैं। तो देखिए, इंग्लिश सेक्शन में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 40.5 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं और रीजनिंग में 37.5 मार्क्स आए और मैथ्स में 39 मार्क्स आए। जीए सेक्शन सिर्फ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्वेश्चन तक पहुंचा था और सारे क्वेश्चन छूट गए थे, जो आसान वाले क्वेश्चन थे वो सारे छूट गए थे। कहने का मतलब मेरे पास टाइम नहीं मिला था, फिर भी मेरे जो स्कोर आए 40.5 आए हैं और मेरे 132 के स्कोर बनते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं इस कट ऑफ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। इस कट ऑफ से मेरे मार्क्स कुछ बढ़ेंगे क्योंकि मेरा पेपर थोड़ा ठीक ठाक था, मॉडरेट शिफ्ट में था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, तो इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर लूँगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो मैं SSC CSL 2019 में सेलेक्टेड हूँ, कहने का मतलब मैं उससे अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाऊँगा, CSSL 2019 क्लियर कर लूँगा। तो मैं इसकी डीबी में नहीं जाऊँगा, मतलब आने वाले आगे प्रोसेस में नहीं जाऊँगा अगर 30 तारीख को मेरे टीयर 2 में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव जो मैंने दिया SSC CSSL 2019 का, अगर उसमें मेरे 60 या 50 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आगे के प्रोसेस में चला जाऊँगा। तो ऑल द बेस्ट, अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, चलिए बाय।